दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपके व्हाट्सएप है काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि इजीली इनको हैक नहीं कर सकता है। क्योंकि व्हाट्सएप भी यही कहता है कि जो आपके व्हाट्सएप है इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। इनका मतलब है कि आपके चैट्स, आपके मैसेज को कोई भी थर्ड पार्टी रीड नहीं कर सकती, इवन व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को रीड नहीं कर सकती है। फिर भी इनके बावजूद भी किस तरीके से दीपिका पादुकोण की मैसेज को लीक किया गया, किस तरीके से इनके मैसेज को पब्लिक तक रिवील किया गया, क्या इनकी रियलिटी है, क्या व्हाट्सएप सही मायने में इनक्रिप्टेड है, किस हद तक आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपके चैट सिक्योर है, किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर बना सकते हैं, वेल, इसके लिए वीडियो को आप अंत तक देखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ये कहता है कि जिनको आप मैसेज करते हैं, जिनसे आप चैट्स करते हैं, तो एक पब्लिक की के थ्रू उनमें इंक्रिप्शन लग जाता है, फिर वो मैसेज इंक्रिप्टेड हो जाता है। उसके बाद फिर कोई थर्ड पार्टी उनको रीड नहीं कर सकती, ना ही आपके मैसेज को व्हाट्सएप रीड कर सकती है। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी मैसेज, आपकी चैट्स राइट पर्सन से कम्युनिकेशन आपकी हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें, आप जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके मैसेज, आपके चैट्स राइट पर्सन को जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी उन पर इंटरसेप्ट कर रहा है, इसको कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको उस पर टैप करना है नेम पे जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन आपको यहाँ उनके नेम पे टैप करना है। उसके बाद आपको नीचे इंक्रिप्शन पे टैप करना है। इंक्रिप्शन पे टैप करने के बाद आप यहाँ से स्कैन कोड पे, आप स्कैनर कोड से इसको आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आप राइट पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ वेरीफाइड शो करेगा और एक ग्रीन मार्क शो करेगा। सपोज आप किसी को टेक्स्ट करते हो या किसी को मेल करते हो, टेक्स्ट या मेल में किसी भी तरह का इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होता है। जब आप किसी को टेक्स्ट करते हो, किसी ने किसी नेटवर्क के थ्रू टेक्स्ट करते हो, या तो जियो या एयरटेल या किसी अदर नेटवर्क के थ्रू आप उनको टेक्स्ट करते हो, तो उस नेटवर्क के पास आपकी सारी डिटेल्स चली जाती है, जिससे गवर्नमेंट कभी भी आपकी डिटेल्स को ले सकती है। इसमें किसी भी तरह का इंक्रिप्शन नहीं होता है। लेकिन व्हाट्सएप की अगर बात करें तो व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, इसमें व्हाट्सएप आपके डिटेल्स को नहीं दे सकती है। देखिए, आप बात करते हैं अगर व्हाट्सएप इतना सिक्योर है तो फिर किस तरीके से दीपिका पादुकोण के जो मैसेज है उनको लीक किया गया। इसके पीछे कई रीजन है। अगर मैं फर्स्ट रीजन की अगर बात करूं, तो जब आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो उसमें आपको बैकअप ऑप्शन आता है, चैट्स बैकअप। तो चैट्स बैकअप को आपको नेवर करके रखना, अगर नेवर करके रखेंगे, क्योंकि आप जब उसको ऑन रखते हैं तो आपको गूगल ड्राइव और आई क्लाउड में सेव हो जाता है। इस तरीके से कोई भी आपके फ़ोन को हैक कर सकता है, फिर आपके सारी डिटेल्स को निकाल सकता है, तो इसको आपको ऑफ रखना है, जिससे आपके हैक होने की चांसेस है घट जाती है। देखिए, आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको परमिशन सोच समझ के देनी है। सपोज आप उबर को इंस्टॉल कर रहे हैं, उबर में आपको सिर्फ लोकेशन को परमिशन देनी है। अगर आपके उबर आपके गैलरी को परमिशन मांग रहा है, आपके व्हाट्सएप के परमिशन मांग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको परमिशन नहीं देनी है। जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको वही परमिशन देनी है, अदरवाइज इसके थ्रू भी आपके फ़ोन को हैक हो सकता है आपके, तो ऐसे में आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, अगर नेक्स्ट की बात करें तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको इनेबल के रखना है। व्हाट्सएप में अगर इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके आप अपने फ़ोन को, अपने व्हाट्सएप को काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप में भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रख सकते हैं, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं आप, गूगल में कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉलो करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको ट्रिपल डॉट पर टैप करना है, देन आपको सेटिंग पर टैप करना है। उसके बाद फिर आप अकाउंट्स पर टैप करेंगे, फिर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन पे टैप करेंगे, देन आपको यहाँ इनेबल पे टैप करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकती हैं, कोई भी पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक ईमेल आईडी डालना है। इन फ्यूचर आपको पासवर्ड को रिसेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करना है, देन आपको यहाँ कन्फर्म कर देना है। इसका सेव, इस तरीके से आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया है। आपको डन पर टैप करने हैं। देखिए, आपको किसी भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है जिसमें आप खुद एडमिन ना हो, क्योंकि होता ही है कि जिसमें आप एडमिन नहीं होते, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपके ग्रुप को ज्वाइन करे, आपके डेटा को रीड कर सकता है, आपको कोई ऐसे लिंक को भेज सकता है जिसमें आप क्लिक करके खुद ही ट्रैप हो सकते हैं। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से आप अवॉइड कीजिए जिसमें आपको रिस्क है। देखिए, अगर आप अपने व्हाट्सएप को किसी सिस्टम या किसी कंप्यूटर में यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप व्हाट्सएप वेब मत यूज करें, क्योंकि व्हाट्सएप वेब को मैनिपुलेट करके आपके व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में आप व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप्स यूज करें, व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप काफ़ी सिक्योर होता है, जिससे आपके व्हाट्सएप को हैक होने के चांसेस नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप यूज करें। क्योंकि मेरी लास्ट और आखिरी टिप्स है कि आप हमेशा अपने व्हाट्सएप, अपने फ़ोन को अपडेटेड रखिए, क्योंकि हमेशा जो हैकर्स होते हैं ओल्ड वर्जन को ही हैक करते हैं, क्योंकि उसको हैक करना इजी होता है। इसलिए आप हमेशा आप अपने फ़ोन को अपडेटेड रखिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।